नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। मंडी में हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बेटी अनमोल है कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। रविवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। यहां आयोजित एक समारोह के दौरान उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने दिन ब दिन घट रही कन्याओं की संख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि कन्याओं की संख्या में इसी तरह से गिरावट आती रही तो समाज की व्यवस्था कुछ और होगी। उन्होंने कहा कि आज एक पुरुष के साथ एक स्त्री है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब 7 पुरुषों को एक ही स्त्री के साथ विवाह करना पड़ेगा। आज एक पुरुष के साथ एक स्त्री पत्नी के नाते है, और अगर लड़कियों की संख्या इसी तरह से घटती चली गई तो एक आंकलन के अनुसार 2019 में 3 पुरुषों की एक पत्नी होगी। महाभारत हुआ था, वहां पर 5 पांडव की एक पत्नी, वो इसलिए नहीं थी कि उस समय में कन्याएं कम थी, तो माता ने कहा कि बांट करके ले लो, वो माता का आदेश मान करके उस प्रकार से पालन हुआ, वो एक अलग बात। परंतु अगर और आगे बढ़े और इसी तरह से ये कन्याओं की संख्या घटती चली गई तो 2031 में 7 पुरुषों के साथ एक पत्नी होगी। क्या हम इस प्रकार के समाज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर वर्ष प्रदेश में केवल मात्र 115 चिकित्सक ही उत्तीर्ण होते हैं और MDMS हिमाचल प्रदेश में केवल 39 ही उत्तीर्ण होते हैं। बिंदल ने कहा कि उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों की संख्या कम होने के कारण हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की पूर्ति कर पाना असंभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश में 3 और मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। बहुत अंतर है, पूरे देश में 31,000 MBBS चिकित्सक निकलते हैं, हिमाचल में केवल 115। देश में 11,000 MDMS डॉक्टर्स निकलते हैं, हिमाचल से केवल 39। हम अपनी पूर्ति नहीं कर सकते। धूमत साहब ने इसीलिए तय किया कि हम नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और 3 मेडिकल कॉलेज फाइनल हो गए, 3 मेडिकल कॉलेज और खोल करके हम MBBS की सीटों को 600 तक ले जाने के प्रयास में है। 115 की बजाय 600 बच्चे उसमें एडमिशन ले और उसमें 50% कम से कम कोटा हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व रहे। इसी प्रकार से MD की सीटों को हम दुगना करने में लगे और अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं। हमारा प्रयास है कि अच्छा और कार्य हो, परंतु वो तभी होगा जब आपका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिलेगा। राजीव बिंदल ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां शिक्षा ज्यादा है वहां लिंग अनुपात बेहतर है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बेटी अनमोल है कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेटी अनमोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत प्रदेश के 22 हॉस्पिटलों को एक दूसरे के साथ जोड़ अस्पताल में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ये जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने दी। वे रविवार को मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि शीघ्र ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत प्रदेश के 22 हॉस्पिटलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और इन सभी हॉस्पिटलों का कंट्रोल शिमला में स्थापित होगा, जिसके चलते हॉस्पिटल में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस विचाराधीन योजना के तहत हॉस्पिटल की हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी को नेट पर डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र ही अंजाम दिया जाएगा। ये HMIS में हम पहले चरण में प्रदेश के 22 हॉस्पिटल्स को नेट पर लाएंगे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, जिस सॉफ्टवेयर में उस हॉस्पिटल की प्रत्येक जानकारी होगी,
वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स, आने वाले रोगी, उनको देखने वाले चिकित्सक, उनको दिया जाने वाला इलाज और उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, उसका शिमला के साथ लिंक, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर, इसके साथ हम आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी इसका भी हमारा टेंडर फाइनल हो जाएगा। 53 कंपनियों ने इसमें अपने आप को भागीदार बनाने के लिए एप्लीकेंट बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में एक ही कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां पर एक टोल फ्री नंबर लगाया जाएगा और इस नंबर पर कॉल करने के बाद यहां से एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिंदल ने बताया कि उनका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना है। आपातकालीन सेवाएं, इसमें पूरे प्रदेश में एक सिंगल कंट्रोल रूम रखते हुए एक एम्बुलेंसेस का नेटवर्क बनाएंगे। वो एम्बुलेंस हर प्रकार से मेडिकल और पैरामेडिकल व्यक्तियों के साथ युक्त होगी और जब भी कोई रोगी उसको टॉल फ्री नंबर पर डायल करेगा तो कंट्रोल रूम यह मॉनिटर करेगा कि रोगी से कितनी दूर पर कहां पर हमारी एम्बुलेंस है और वो उस एम्बुलेंस को सूचित करेगा। लगातार कंट्रोल रूम का, एम्बुलेंस का और रोगी का और जिस हॉस्पिटल में उसको भेजना है उसका कांटेक्ट बना रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 50 मिनट से कम समय में रोगी को लक्ष्य के स्थान पर पहुंचा दिया जाए। इस मौके पर राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हॉस्पिटल में दाखिल होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कारगिल युद्ध के दौरान शहादत का जाम पीने वाले वीर जवान आज भी अमर हैं। आज कारगिल युद्ध को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। आज विजयदशमी के रूप में मनाया जा रहा यह पर्व हमें 26 जुलाई 1999 के दिन को याद दिला रहा है, जब देश की रक्षा करते हुए कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। आज कारगिल युद्ध के 10 साल बीत जाने के बाद भी हर भारतवासी के जहन में वो यादें ताजा हैं, जब कारगिल युद्ध में बहुत से वीर जवानों ने शहादत का जाम पिया। 26 जुलाई का दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हुए मंडी जिला में भी वीर जवानों की शहादत को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच के साथ लगते कारगिल पार्क में मंडी जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंडी जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा ने कहा कि आज हर भारतवासी को शहीदों की कुर्बानी याद रखने की आवश्यकता है, जिनकी बदौलत आज हर भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहा है। विजय कारगिल की पहाड़ियों के में हुआ था, जिसमें कि भारतवर्ष के सपूतों ने एक भारत माता की झोली में एक डिसाइसिव विक्ट्री जो थी वो डाली थी और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे लगभग 52 शहीदों ने अपना बलिदान दिया था उसमें से 10 शहीद मंडी जिले के थे और आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने कि देश के आन शान वान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हीं शहीदों को आज याद करते हुए हम समस्त मंडी वासियों की, हम सब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और जो सिर जो है श्रद्धा के साथ झुक जाता है। आज इस बलिदान को हमेशा यहाँ के स्थानीय निवासी याद रखेंगे और इस तरह से ऐसे शहीदों को हर वक्त हम लोग याद रखते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान को भी याद करते हैं। इस मौके पर ओंकार शर्मा ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जिस भी माता ने अपने सपूत को खोया है वो महान है। उपायुक्त ने शहीदों के परिजनों को प्रशासन और सरकार के माध्यम से हर संभव सहायता प्रदान करने की बात भी कही। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वीर जवानों ने हंसते हंसते शहादत का जाम पिया और आज हम उन्हीं की बदौलत गर्व से कह पा रहे हैं कि हम भारतवासी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।